नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, याहू देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन प्रेस क्लब ऑफ यूपी और आईना के संयुक्त तत्वाधान में पत्रकारों पर हो रहे अनवरत हमले, फर्जी मुकदमे और हत्याओं के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कुशीनगर में आयोजित किया गया। धरने को संबोधित करते हुए इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने कहा, वर्तमान में पत्रकार बंधु उत्पीड़न का शिकार है। समाज को आईना दिखाने वाले आज खुद आईना बनकर रह गए हैं। किसी विशेष खबर पर पत्रकारों को प्रलोभन और धमकियां मिलना एक आम सी बात हो गई है और सरकारी तंत्र से भी इन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है जो कि इन्हें मिलना चाहिए। आज का ये धरना इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस क्लब ऑफ यूपी के संयुक्त तत्वाधान में धरना दिया गया था। जिस तरह से अनावरत पूरे प्रदेश में पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लग रहे हैं और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको लेकर के हम लोगों ने ये धरना दिया है और ये डिमांड की है कि जो पत्रकार की हत्या होती है तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, मिनिमम 50 लाख की, और उसके परिवार से एक आदमी को सरकारी नौकरी दी जाए। इसी को लेकर हम लोगों ने धरना दिया था और अपना टाइम हो गया है तो मैं लोग धरना दे करके अब मैं जा रहा हूँ।